युवा ओपनर पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी की बदौलत मुंबई ने झारखंड को रविवार को ग्रुप बी सुपर लीग मुकाबले में 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। मुंबई की 2 मैचों में ये पहली जीत है और उसके 4 अंक हो गए हैं, जबकि झारखंड की टीम 3री हार झेलकर सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो गई है। झारखंड ने ओपनर कुमार देवरत की 58 रन की शानदार पारी से 20 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन का मजबूत स्कोर बनाया। मुंबई ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाकर मैच जीत लिया। पृथ्वी ने मात्र 39 गेंदों पर 64 रन से 4 चौके और 5 छक्के लगाए। भारतीय टीम में जगह बना चुके शिवम दुबे ने मात्र 11 गेंदों पर 23 रन में 3 छक्के लगाए। सिद्धेश लाड ने नाबाद 18 और सुजीत नायक ने नाबाद 17 रन बनाकर मुंबई को जीत दिलाई। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।